नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो CISF फायरमैन के रिजल्ट अपडेट के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको बता दूँ, जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, अभी आपने देखा होगा जब आप अपना रोल नंबर वगैरह डालते हैं तो आपको आपके मार्क्स दिख रहे हैं, कितने मार्क्स आपके हैं, कितने नंबर आपके हैं, आपका रिजल्ट जो है क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तरीके से हुआ है सही या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये खबर आ रही है कि रिजल्ट जो है आ चुका है, रिजल्ट जो है इसमें अभी बस लिस्ट जारी रहनी है। जिनका रिजल्ट जो है क्वालिफाई आ रहा है वो मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं, जिनका नॉट क्वालिफाइड आ रहा है वो मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि हुई नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अभी फिलहाल ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें जो है मेडिकल के जो जिनका लेटर आ रहा है उसमें, इसमें खाली आपका ये आ रहा है कि यहाँ पे या तो क्वालिफाई आएगा लिखा या नॉट क्वालिफाई आएगा। तो बहुत सारे बच्चों से समझ रहे हैं कि सर हमारा जो है डॉक्टरी लेटर है ये, तो अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते जब तक मेरिट नहीं लगेगी। आज लगनी थी, कल लगनी थी, नहीं लगी है किसी कारणवश, तो बहुत जल्द जो है नेक्स्ट रीजन आपका जो है आने वाला है। फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं आप, उसे एक बार फिर से चेक करते रहिएगा। जो भी आपका रोल नंबर है उसको डालकर एक बार जरूर चेक करिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आया। अभी ऑफिशियल साइट्स पे कुछ भी नहीं है ऐसा रिजल्ट से संबंधित कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है हेड कॉन्स्टेबल के जो है आपकी मेडिकल चल रहे हैं, तो हो सकता है इसके बाद आपका दें। जैसे 8 तारीख का आपका एडमिट कार्ड जो है आना चाहिए था 8 तारीख से, क्योंकि 8 तारीख का आपको पता होगा मेडिकल जो है शुरू है। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख के बोल दिया था, हालांकि कई बार ऐसा हुआ है इन्होंने जो नोटिस निकाले हैं उसको उसमें फेर बदलाव किया है, ऐसा कई बार हुआ है। तो कैंडिडेट को अपने हिसाब से देखना है कि आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है अपनी डॉक्टरी के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका नंबर आ ही जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चे लेंगे ही लेंगे। और इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपने इस चीज़ में छोड़ लापरवाही कर दी तो आप बाहर हो जाएंगे उसमें। और ये लापरवाही कराना चाहते हैं, यानी जो अगर ये इतने समय पहले रिजल्ट नहीं घोषित कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे, आपको पता होगा मैंने आपको क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई बता दिया, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारा तो रिजल्ट आ गया है, हमारा तो डॉक्टरी लेटर का वो आ गया है। तो बच्चों अगर आपका डॉक्टरी लेटर का वो आया है तो प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम पर जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है इस चीज़ में, मुझे भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं लेकिन सेंड कोई भी नहीं कर रहा। तो प्लीज़ आप एक बार हमें टेलीग्राम चैनल पे सेंड करें, अपना नाम वैम नाम वगैरह आप अपना रोल नंबर सब चीज़ हाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार उस मैसेज को या वो आपका जो क्वालिफाई का खुला है एक बार प्लीज़ उसे सेंड करें, जिससे कि हमें पता चल पाए कि मेडिकल लेटर जो है चालू हो चुके हैं, उन बच्चों का मेडिकल लेटर आ रहा है जिनका क्वालिफाई लिखा रहा है। तो एक बार प्लीज़ अगर आपका आया है तो हमें ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि और बच्चे भी बहुत परेशान हैं इस चीज़ के लिए। ये तो पक्का कन्फर्म है बच्चों, आपको 8 तारीख से आपके एग्ज़ाम जो है मेडिकल एग्ज़ाम होना है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो प्लीज़ मैं उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।